हेलो एवरीवन, आजकल यही सुनने को मिलता है कि हमारे जान पहचान के लोग और रिश्तेदार कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और वे इस समस्या से अत्यंत परेशान हैं। मैंने हाल चाल पता करने के लिए कुछ लोगों से बात की तो सब यही कह रहे थे कि कोविड के सिम्टम्स तो 14 से 21 दिन में चले गए, लेकिन उन्हें वीकनेस या शरीर में कमजोरी हो रही है। कोई कोई तो इतने कमजोर हो गए हैं कि वो चल फिर नहीं पा रहे। मैंने अपनी आदत से मजबूर इस पे थोड़ा रिसर्च किया कि इस वीकनेस या कमजोरी को खत्म करने के लिए क्या किया जाए। मेरे रिसर्च के दौरान मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा जो एस्पेन ने पब्लिश किया है। इस अमेरिकी संस्था के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने एक पते की बात कही है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि घर पर रिकवर या ठीक हो रहे कोविड पेशेंट्स को दो हथियारों की जरूरत है, वो है हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। कोविड के दौरान शरीर में पानी की काफी कमी हो जाती है। इस दौरान गले और फेफड़ों का कफ या बलगम गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से साफ नहीं हो पाता और इससे निमोनिया हो सकता है। इसलिए प्यास ना लगने पर भी पानी पीना बहुत जरूरी है। हर 15 मिनट में एक चाय के कप जितना या 2 से 3 घूंट पानी पिएं। अगर कोविड के दौरान उल्टी या दस्त की समस्या हुई हो तो आप पानी के अलावा ओआरएस या इलेक्ट्रॉन लें। इससे शरीर में नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स की भरपाई होगी। इसके अलावा एक कप ताजे ऑरेंज, अंगूर या एप्पल का जूस 3.5 कप पानी में मिलाएं और इसमें आधा चम्मच नमक डाल के इसका सेवन करें। अगर आपको बीपी की समस्या है तो आप सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नारियल पानी, छाछ और रागी माल्ट लेते रहें। ये थे हाइड्रेशन की समस्या खत्म करने के तरीके। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। शरीर में मसल्स या मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए और कमजोरी को जल्दी से खत्म करने के लिए हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है। चिकन के ब्रेस्ट वाले पीसेस को नमक और हल्दी में उबाल के ले सकते हैं। रोज सुबह 2 उबले अंडे जर्दी के साथ लें। इनमें प्रोटीन की काफी मात्रा होती है। रिसर्च से ये पाया गया है कि अंडों की जर्दी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाती। इसके अलावा आप अलग अलग प्रकार के दाने या फलियां भी ले सकते हैं। इनमें भरपूर प्रोटीन और फाइबर होता है। इन्हें अंकुरित या सब्जी के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो शरीर को ठीक होने में काफी मदद करता है। सप्लीमेंट के तौर पे इसके कैप्सूल भी लिए जा सकते हैं। इसके अलावा नट्स में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, आप इन्हें सुबह ले सकते हैं। रोज रात को हल्दी वाला दूध लीजिए, ताजा पनीर और फेटा हुआ दही भी लिया जा सकता है। और आजकल सोयाबीन बहुत पॉपुलर है, सोयाबीन में भी काफी प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके अलावा 1 कप दूध, थोड़ा तिल का पाउडर या तिल का पेस्ट, आधा केला या आम और 3/4 कप दही का प्रोटीन शेक लीजिए। इससे आपको काफी फायदा होगा अपनी मांसपेशियों को दुरुस्त करने में। अगर खाने का स्वाद ठीक ना लगे तो गर्म खाना मत लीजिए, खाना थोड़ा ठंडा होने पर लीजिए। खाने में हल्की चीजें लीजिए जैसे कि खिचड़ी, दलिया, इडली, डोसा, उपमा और कम मसाले वाला वेज पुलाव भी ले सकते हैं। असल में कोविड के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचक तंत्र काफी कमजोर हो जाता है, इसलिए
उसको ज्यादा काम ना दें। एक बार आप ठीक हो जाएं तो आप सब कुछ खा सकते हैं। शरीर को हाइड्रेटेड और पोषित रखने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करिए। अपना वजन भी चेक करते रहिए। आपको अगर बीपी या डायबिटीज की शिकायत है तो इनके लेवल्स भी रोजाना चेक करते रहिए। वजन चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वजन की कमी शरीर में पानी और मांसपेशियों के नुकसान से हो सकती है। याद रखिए, आप कोविड से जीत गए हैं और अब आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है क्योंकि आप अपने शरीर में रहते हैं। अगर किसी के घर में चोरी होती है तो वो पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं और अपने घर के खिड़की दरवाजों की मरम्मत करवाते हैं, घर के चारों ओर फेंसिंग लगवाते हैं ताकि फिर से कोई चोर घर में ना घुस पाए। ऐसे ही आपके घर में यानी कि आपके शरीर में चोरी हुई है और आपने बहुत मुश्किल से चोर को मार भगाया है, अब आपके शरीर की मरम्मत करने की आवश्यकता है। बाकी हैं सप्लीमेंट्स, जैसे कि विटामिन सी हो गया, जिंक है, विटामिन डी और बहुत सारे हैं जो आजकल सब जानते हैं और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं। फिर भी आपके डॉक्टर ही आपको सही सप्लीमेंट देंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी आवश्यक जानकारी मिली होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।